नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ अभी है कला। और अगर एक बात ये कहूं कि महिला वेलनेस मिलना बहुत बहुत मुश्किल बात होती है, और ऐसे में एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कला और भारत के वायलिन को लेकर जाने वाली कला हमारे साथ मौजूद है, तो बहुत बहुत स्वागत करने की इच्छा होती है कला जी। बहुत सुंदर काम लगता है जब नमस्कार। बहुत सुंदर लगता है जब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला वायलिनिस्ट के तौर पर भारत का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। हाँ। सबसे पहले तो ये बताइए, महिला वायलिनिस्ट कहलाना कितना अनोखा लगता है आपको? मतलब यहाँ पे जहाँ मैं अभी हूँ, आई एम इन द यूएस, मैं यूएस में हूँ, और यहाँ पे तो महिला वायलिनिस्ट है, पर यहाँ पे भी, कहीं पे भी, दुनिया में कहीं पे भी जाओ, मैं एक आई वांट टू गिव एन एग्जांपल देना चाहती हूँ कि जब 95 में मेरा एक प्रोग्राम आता था, वो निनाद करके स्टार प्लस में, एक उसमें तो मेरा वायलिन सुन के मतलब एक बहुत जाने माने म्यूजिशियन, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहा था कि बोलना बोलती बोलती ठीक है, पर सांस जब हाथ में लेती है आदमी के तरह हैंडल करती है। इसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट के कहेंगे या फिर कमेंट कहेंगे? मतलब मैं यस, ये मेरे बारे में कहा गया था। इसका मतलब है महिला, मतलब दे के नॉट प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट्स, ये सोच है। तो उधर से शुरू करके आज तक अगर मैं अभी भी रेलेवेंट हूं फील्ड में, तो उसका तो कुछ होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। कहाँ से सोचा कि मुझे वायलिनिस्ट बनना है, मुझे म्यूजिक को बहुत आगे लेकर जाना है? मैं जानती हूँ आपके आसपास घर परिवार में वो म्यूजिक का, संगीत का माहौल रहा है, फिर भी कोई एक ऐसा कारण जब लगा कि नहीं भाई म्यूजिक ही करना है अब तो मुझको? वो तो बचपन में ही मैंने सोच लिया था, क्योंकि जब मैंने वो नहीं रही स्वर्गीय विदुषी किशोरी अमोंकर जी और मेरे गुरु जी पंडित जसराज जी, उन दोनों का गाना जब मैंने सुना, मुझे लगा कि अगर संगीत इतना सुंदर है तो यही करना है मुझे। वो तो 7 बरस की उम्र में ही मैंने तय कर लिया था कि मुझे संगीत करना है। ये उनका सुन के तो मैंने कहा, इफ म्यूजिक इज सो ब्यूटिफुल, जिंदगी में मुझे और कुछ करना ही नहीं है। एंड जो जो बात मैं कह रही थी पहले क्वेश्चन का, मैं और थोड़ा सा बिल्कुल I want to elaborate. यहाँ पे भी महिला वायलिनिस्ट्स जिनको मैं जानती हूँ, दे ऑल टू फेस दिस प्रॉब्लम। आज भी? आज भी। और मैंने बहुत यूरोप में और यहाँ पे जो म्यूजिशियंस हैं, जो विमेन म्यूजिशियंस हैं ऑर्केस्ट्रा में, मैंने उनसे बात की है और उन्होंने कहा उनके जो पे है मेन से कम है। ओह, अभी भी यूरोप में भी है, यहाँ पे भी है। मतलब आजादी का पर्व हमारे देश में मना रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों में आजादी अभी भी अंतरराष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नहीं मिली है। नहीं, तो ये देखते हुए मैं कहूंगी हमारा भारत बहुत आगे बढ़ गया है, ऐसा तो वहां नहीं है। So, उस दिन से लेकर के मैं महिला, या मैं, आपने 7 साल की उम्र से शुरू किया है, एकदम बच्ची सी एक वायलिन बजा रही है, वहां से लेकर युवा अवस्था में जब आई, उस समय क्या कोई तब्दीलियां लोगों की सोच में नजर आई? मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब पॉसिबली आप 20-25 साल की रही होंगी। मैं 20-25 साल की जब थी, मतलब अभी भी आप अगर देखेंगे कितने मतलब साज बजाने वाले महिलाएं हैं, कम
व्हेन यू कंपेयर, मतलब सितार में कितने हैं, एक अनुपमा है जो मेरी उम्र की है शायद, अनुपमा है, फिर आई कांट थिंक ऑफ एनीबडी, यंगस्टर्स में एक सहाना बैनर्जी है, फ्लूट में प्रिया देबो प्रिया, वो सिस्टर्स हैं, देखा जाए तो सरोद में कौन है, संतूर में कौन है, एक्चुअली है ही नहीं कोई, नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बहुत सोचने गहन चिंतन का विषय हो गया है। अभी भी है नहीं। ओह, सो किस तरीके से इस बदलाव को होते हुए देखना चाहती हैं? आपकी खुद की क्या इच्छा है कि मैं तो इसी मैं मतलब मैं एक तो मेरे जो साज है उसके जो टेक्निक के विषय पे हमारे भारत में नॉर्थ इंडियन म्यूजिक में वी स्टिल लैक प्रॉपर टेक्निक। तो मैं क्या कर रही, मैं बहुत सिखा रही हूँ और बहुत लड़कियों को तैयार कर रही हूँ कि आगे आए और इस इंस्ट्रूमेंट को ले। और एंड एक और विषय है कि हम मेरी जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या करें, दिस इज इट, बट मैं तो सिखा रही हूँ, होपफुली देयर विल बी पीपल हु विल टेक इट। आई एम आल्सो क्रॉसिंग माय फिंगर्स। मेंटली ये मतलब देयर इज सो मेनी व्हाट डू यू से सोच लोगों का, कि एक तो साज को लेके ये सोच है कि अरे वायलिन जो है ना वो सिर्फ कभी फिल्मों में कोई सैड सिचुएशन हो तब वायलिन को लगा दो, पर ये नहीं सोचते हैं वायलिन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन शो सो मेनी व्हाट इज इट, उसको क्या कहते हैं, इमोशंस, इट कैन शो सो मेनी इमोशंस, बट लोगों को पता ही नहीं है बिकॉज इन्होंने एक डब्बे में डाल दिया कि वायलिन होने से यही है। That's very very true. बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो ऐसे भी अब सितार हो तो बहुत खुशी खुशी का म्यूजिक है, टिंग 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 टिंग, मतलब हो गया। फ्लूट हो तो प्रेयर, हाँ वो गलत बात है ना, गलत है। वैसे ही दिस इज इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैं बॉक्सेस में डालने की जो बात कह रही हूँ वही सोच है विमेन के बारे में, कि साज इन लोगों से होता नहीं है क्योंकि इसमें फिजिकल फोर्स लगता है बहुत, दुनिया में पावर लगता है उसमें और वो आदमी के हाथ में ही है। लगता है वो हमारे इस बार का ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ या गेम्स या आईपीएस ऑफिसर्स को नहीं देख रहे हैं। है। तो अभी इट इज रियली चेंजिंग एंड बाहर में भी, इवन आउटसाइड इंडिया आई सी द रिस्पेक्ट फॉर विमेन इज डिफरेंट। या It is getting it's better than what it was before. Okay. आप internationally भी जाकर आती हैं, ग्रैमी में, ग्रैमी जैसे बड़े मंच पर भी अपना नाम करती हैं, मुझे वो बताइए वो एक्सपीरियंस कैसा था? So out of the blue I got invited to be in the jury of Grammy. तो जब मैं गई थी decent representation of women were there in the jury. सो ऑफ कोर्स एज अ म्यूजिशियन नॉमिनेशन भी मुझे मेरी एल्बम को मिली है, मतलब सर्टेनली बिग थिंग। या बट एंड कॉम्पोजिशंस ऑफ माइन हैज बीन फीचर्ड इन अ ग्रैमी और विनिंग एल्बम, सो वो तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट there was a decent representation. It's been changing, I feel like women were there and
it was very I was very happy to represent Indian classical music. And अभी भी मैं यहाँ वर्कशॉप में हूँ विद योयो मा सिल्क रोड वर्कशॉप एंड परफॉर्मेंस. आज परफॉर्मेंस है. यहाँ पे भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में इतना कुछ नहीं जानते हैं जितना चाइनीज म्यूजिक पॉपुलर हो या यू नो इन इन्हीं के जॉनर्स यहाँ पे जो भी है पॉपुलर हो. इंडियन म्यूजिक इतना पॉपुलर नहीं है. सो इट इज सो आई ओपनिंग फॉर देम when I talk about Indian music. And so today I have to give a talk on in another 1.5 hours I have to talk and to tell them what Indian music is. And so yesterday I had a small workshop about it and they're all so impressed. Hamare music itte scientific hai, you know, we have everything. It's not like in Chinese music they talk about folk music and then just a little song and they play, but our music is not a little song. There is a training to get to that song. Yes, yes, definitely. So उन लोगों को यू नो इट्स एन आई ओपनर. उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे म्यूजिक के बारे में उनको इतने दिन से पता नहीं चला. एंड कल के वर्कशॉप के बाद अराउंड द कॉरिडर्स ऑफ एनईसी सब लोग यही बोल रहे थे, ओ माय गॉड शी डिड दिस शी डिड दैट. सो आवर म्यूजिक इज वेरी मच लाइक्ड एंड आई एम हैप्पी टू रिप्रेजेंट इंडिया. एंड हमारे म्यूजिक को इतना रिकग्निशन और इतना सम्मान मिल रहा है यहाँ पे. सो हाल फिलहाल मैंने ये भी सुना कि अब उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के साथ भी आपके कई शोज होने हैं कहीं. अभी फ्राइडे को जा रही हूँ सिंगापुर में है भी आजादी के अमृत महोत्सव के यू नो टाइड अप विद दैट. सो वी आर परफॉर्मिंग इन सिंगापुर एट द एस्प्लेनेड कॉन्सर्ट हॉल. हम लोगों ने त्रिवेणी करके हमारा एक ग्रुप है जहाँ पे देखिए जाकिर भाई भी प्लेइंग विद टू वुमेन म्यूजिशियंस. ओह लवली. ओके आई थिंक ही इज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू डू दैट गिव इक्वल बिलिंग फॉर अस ऑल्सो. Great. So who's the other one? Who's another? Nancy Kumaresh on the Veena. Oh, beautiful. Nancy Kumaresh representing South, I representing North, and Zakir Bhai tying us both together. Lovely. Lovely. अच्छा एक बात, correct me if I'm going wrong. Violin जो है वो जैसा कि आपने भी कहा कि South जो कर्नाटक की music है उसमें ज्यादा रचा बसा उसी में ढला है. ऐसे में जाकिर हुसैन साहब जो कि तबला का एक पर्याय है, तबला और साउथ इंडियन म्यूजिक में मृदंगम ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो कैसे ये कॉम्बिनेशन है? और वीणा भी अगर है तो वो भी तो कॉम्बिनेशन अलग ही हो गया. तो जाकिर भाई जब जयंती जी के साथ बजाते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट में तबले पे मृदंग के जैसे एकम्पनीमेंट देते हैं, जब मेरे साथ बजाते हैं तबला बजाते हैं. कमाल है. यू शुड वॉच दैट. इट्स सो गुड. आई हैव टू एंड इतने मतलब मैं क्या कहूं, हम दोनों को यू नो ही ट्रीट्स अस सो वेल विद सो मच रिस्पेक्ट. लेट्स अस डू व्हाट वी वांट ऑन स्टेज. आई मीन देयर इज नो दिस थिंग ये लो ये दोनों लड़कियां हैं इनके माइक कम करा दो ना, कुछ भी नहीं. एंड इवन जब फ्लायर्स में जाता है नाम, ही सेज इट्स नॉट उस्ताद जाकिर हुसैन, इट्स गोइंग टू बी जयंती कुमरेश जाकिर हुसैन कला रामनाथ. Oh, he doesn't even put his ustad. And if I try to do that, he tells me, "Nikalo usko pehle." How nice. Ajay, Kala ji, आने वाले दिन में आपको वायलिन कहाँ जाता हुआ दिखाई देता है? कितना उज्जवल भविष्य या उज्जवल भविष्य नहीं है? क्या लगता है? मैं चाहती हूँ कि उज्जवल भविष्य हो.
इसीलिए मैं सिखा रही हूँ. एंड आई एम ट्राइंग टू, मैंने एक वेबसाइट भी किया है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक .com, जहाँ पे हमारे संगीत का जितने राग हैं हमारे संगीत में एंड हमारे शास्त्रीय संगीत के विषय में, एवरी टॉपिक मैं आई एम ट्राइंग टू कवर दैट एंड मेक इट इनटू एन ऑनलाइन लाइब्रेरी, ताकि दुनिया भर लोग इसमें जाके देख सकते हैं हमारा म्यूजिक क्या है. सो ये मैंने किया है और मैं बहुत लोगों को सिखाती हूँ. सो आई एम होपिंग देर विल बी अ फ्यू ऑफ देम हु विल कम अप इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स हु आर वेरी गुड एंड विल टेक ओवर दिस ट्रेडिशन. एंड आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, तो मैं ये कहूँगी कि इतने साल से, बट आवर म्यूजिक इज 5,000 ईयर्स ओल्ड, 5,000 साल पुराना संगीत है. कुछ लिखा हुआ नहीं है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर आज तक जिंदा है. और हमारा देश किस किस चीजों से गुजरा है हम सब जानते हैं. देर वेर किंग्स हु हेटेड म्यूजिक, हु ट्राइड टू किल आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन एवरीथिंग, तब भी इट्स अलाइव टूडे. So today things may look a little bleak, but I wouldn't say it is bleak because it is an evolving period for our music. As it has evolved with time, it will evolve again. I'm sure. But the only thing I feel is, jitna abhi hai, humne bahut khoya bhi hai. So jo khoya, ab aur khona nahi hai. इसीलिए मैं ये वेबसाइट कर रही हूँ, ऑनलाइन लाइब्रेरी, ताकि जितना अभी जो बच्चे कुछ मतलब राग हैं या बच्चे कुछ ज्ञान जो मुझे मालूम है और बाकी म्यूजिशियंस को मालूम है, सब इकट्ठा करके एक जगह पे रख दे लाइब्रेरी पे, ताकि फ्यूचर जेनरेशंस कैन गो एंड चेक इट आउट. बिल्कुल. आजादी का अमृत महोत्सव, इस शब्द से आपको कैसा लगता है और क्या कहेंगे? हम लोग जानते ही नहीं है कि हमको आजादी मिलने के लिए लोगों ने कितना कष्ट किया है. तो मैं ये अमृत महोत्सव जब मना रहे हैं, हम सब मना रहे हैं, मैं ये चाहूंगी कि हम लोग इस आजादी का हम लोग इज्जत दे एंड We respect what we have, because बहुत यहाँ अमेरिका में देखिए, वो मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहती हूँ, पॉलिटिकल क्लाइमेट तो यहाँ आप जानते ही हैं, और बहुत सारे कंट्री में, यूक्रेन में जो हो रहा है, चाइना में जो हो रहा है, वी आर इट अ वेरी गुड प्लेस. तो हम लोगों को इसका रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड We should live in peace and not squabble amongst ourselves and be together. बिल्कुल. चलिए, थैंक्स लॉट कला जी इतना सारा समय देने के लिए. यूएस में आप बैठी, लेकिन आपने समय एडजस्ट करके वेब दुनिया को इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया.